दहशतगर्दी के खतरे पर गौर किया जा रहा है, मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदा अकील अहमद से। अकील बताइएगा। जी देखिए, आज इलेक्शन कमीशन में जो है वो एक हंगामी इजलास जमीनी इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से बुलाया गया है, जिसमें गुज़िश्ता रोज वज़ारत दाखिला की जानिब से एक इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया था और इस बात का खदशा जाहिर किया गया था कि जमीनी इंतखाबात के दौरान जो है वो दहशतगर्द कोई कार्रवाई कर सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया गया था और वज़ारत दाखिला की जानिब से ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन जमीनी इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करें, जबकि वजारत दाखिला की जानिब से ये भी कहा गया था कि जो जमीनी इंतखाबात की सिक्योरिटी है उसके लिए पुलिस जो है वो भरपूर किरदार अदा नहीं कर सकती। तो इस हवाले से जो दहशतगर्द है वो क्योंकि अब कई इलाकों में कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो खतरा जाहिर किया गया था कि जमीनी इंतखाबात में भी इस तरह की कोई कार्रवाई की जा सकती है, जिसके बाद आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक हंगामी इजलास बुलाया गया है और जो वजारत दाखिला की जानिब से गुज़िश्ता रोज खत लिखा गया था और जो थ्रेट्स उनको बताए गए। आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम तसरतात पर बात करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ सीनियर तजिया का समी इब्राहिम साहब मौजूद है। समी साहब बताएगा, जमीनी इंतखाबात को मुलतवी करने की एक और तैयारी की जा रही है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस तरह के हंगामी इजलास को? देखिए, ये जो हुकूमत है